गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। चैंपियंस लीग का मैच होने वाला है लीपी वर्सेस पेरिस सेंट जर्मन के बीच। तो भाई जैसे कि बहुत ज़बरदस्त मैच है और आज तो लगभग नाइट मैच भी कवर होंगे सारे बिकॉज ड्यू टू दिवाली वाइज बहुत टाइम है अपने पास। तो बात करें ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और ये वीडियो जब पोस्ट होगी तो शायद जब आप लास्ट मोमेंट पे देखोगे तो 12 के बजे के बाद टाइम हो चुका होगा। तो इसलिए भाई मैं इसी वीडियो में आपको बोल देता हूँ सबसे पहले हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं करें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें इस मैच की। तो पेरिस सेंट जर्मन पिछला मैच इनको हरा कर आगे निकली, बट उस बात को बता दूं कि ये पेरिस सेंट जर्मन बड़ी मुश्किल से जीती थी ये वाला मैच। इतने अंडर प्रेशर थी क्योंकि एलीपी ने जब दो गोल कर दिए थे तो उनको लगा था कि शायद हम टीम पूरी की पूरी मतलब 11 के 11 प्लेयर्स बहुत मतलब अनकंफर्टेबल खेल रहे थे, मैंने देखा था कुछ मिनट के लिए। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूशन किया तो काफ़ी एक फ़ायदा निकल के इनके सामने आया और प्लेयर्स को अच्छी तगड़ी फॉर्म मिली। बात करूँ गोलकीपर की, पी गैलेक्सी को लूँगा, पीटर गुलेक्सी हो को ही लेना यहाँ पर। पेरिस सेंट जर्मन का प्लेयर गलती से भी मत लेना बिकॉज उतना फ़ायदा वो आपको नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू पी गुलेक्सी। आगे से बात करें हाकिमी की, देखो हाकिमी ने पिछले मैच में इतना खास परफॉर्म किया नहीं और अभी मैंने देखा था कि ये लास्ट मैच में जो लीग है इनकी उस लीग में खेल भी नहीं रहा था, मतलब पेरिस सेंट जर्मन लीग वन में है टीम तो उसमें था भी नहीं। और मुकियल ने पिछले मैच में गोल किया, हमारी अल्ट्रा क्लीन स्वीप का कारण है ये प्लेयर मुकियल था उस दिन फोर्थ डिफेंडर, इसने गोल किया था। आज गोल के कम चांस हैं, आज ये फोर्थ डिफेंडर नहीं है, आज ये कॉमन डिफेंडर है। प्लस हमारे पास क्रेडिट इशू है तो मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा मुकियल को लेने की। प्लस ये सीर्जियो रैमियस को नहीं खिला रहे, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, क्या दलेर शेर की तरह प्लेयर ये खेलता है बट ये खेल नहीं रहा बहुत दिनों से क्योंकि जब से टीम बदली है एक बार भी चांस नहीं दिया। मार्को इनोस की बात करूं, हाकिमी के आने से मार्को इनोस की भी फॉर्म बिगड़ गई है, प्लस हाकिमी की भी इन दिनों फॉर्म बिगड़ गई। तो डिफेंडिंग से मात ना खा जाए यार पेरिस सेंट जर्मन। पी किम्पैबे की बात करूं, किम्पैबे को लूंगा यहां पे। और यहां पर आज का जो हमारा डिफेंडर है वो है एंजेलिनो, एंजेलिनो के आज चांस है तगड़े फ्री किक एंड कॉर्नर के दौरान, तगड़े चांस हैं असिस्ट के। तो आगे से बात करूं मिडफील्डर की, देन यहाँ पे लूंगा मैं सीन कुकू को जो कि हम ले रहे हैं। पिछले मैच में भी न्यूबर नहीं खेला था, मैं चाहता हूँ आज भी ना खेले क्योंकि अगर ये खेलेगा तो हमें क्रेडिट इशू का सामना बहुत मुश्किल से करना पड़ेगा। प्लस ई फोर्सबर्ग को भी हम यहाँ पर नहीं ले रहे क्योंकि फोर्सबर्ग भी थोड़ा सा फ्लॉप जा रहा है इन सीजन में। आगे से बात करें ड्रेक्सलर की, देन यहाँ पे जूलियन ड्रेक्सलर ने बहुत बढ़िया खेला था पिछले मैच में, असिस्ट की थी एंड असिस्ट देखने वाली थी, शुरुआती असिस्ट इसकी थी। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, हैदरा को लूँगा, यहाँ पर है अवॉडियो हैदरा जो कि अच्छी फॉर्म में है और सब्स्टिट्यूट जल्दी हो गया एज़ कम्पेयर टू लेमर। लेमर का भी सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम कई बार मैंने देखा है बट पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं हुआ, ये बहुत फ्रंट साइड जा रहा था, पिछले मैच में तो उसका गोल भी होने लगा था। बट मैं हैदरा को इसलिए प्रेफर करता हूँ, ये असिस्ट के लिए अच्छा माना जाता है। आगे से बात करें स्ट्राइकर्स की, के मपैबे द ग्रेटेस्ट प्लेयर, मतलब क्या प्लेयर है। और बात करें मैसी की, बट मैसी को कैप्टनशिप से हटाना सबसे गलत, मैसी वॉज ऑलवेज माई कैप्टन, हारूँ या जीतूँ उससे मतलब नहीं, लेकिन एल मैसी द रिस्पेक्ट, ठीक है, द प्लेयर की रिस्पेक्ट होती है। प्लस लियोनेल मेस्सी एक अपना फेवरेट प्लेयर है तो यहाँ पर कैप्टन तो मैं भाई मेस्सी को बनाने वाला हूँ। एंड्रे सिल्वा पिछले मैच में गोल कर गया तो मैं नहीं चाहता कि आज ये हमारा नुकसान करें, पिछले मैच में तो हम बहुत तगड़ा जीते थे, इतना तगड़ा जीते थे लिटरली अभी तक वो जीत जहन में मतलब आती है कि हाँ भाई वो मैच हमने जीता था। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, फुल्ली जिन्होंने भी फुल्ली मतलब लगा दिया था ना मैच जितना भी था तो उसके बाद सीधा डबल ट्रिपल ही होकर आया होगा क्योंकि इतना टॉप का मैच गया था वो जिसमें हमारी टीम में एंड्रे सिल्वा था भी नहीं तब भी। और आगे आज बात करूँ तो यहाँ पर कैप्टन है मेस्सी, वाइस कैप्टन मपैबे। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे कॉमन है, जिन्होंने हमें जीत दिलवानी है वो बीच के प्लेयर होंगे जैसे कि एंजेलिनो हो गया, मार्कुइज और पी गैलेक्सी हो गया, ड्रेक्सलर, हैदरा, एंड्रे सिल्वा, मतलब काफ़ी की प्लेयर्स हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।